चलो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद बायो मॉलिक्यूल्स। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ टर्म वन, देन वी विल रिवाइजिंग ऑल द चैप्टर्स। बटर बायो मॉलिक्यूल्स नॉन मेडिकल बट आर बायो मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर बातें करने वाला है ज्यादा, बटर बायो मॉलिक्यूल्स। छोटे छोटे गोले कौन से होते हैं, आपके अंदर कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स विटामिन्स, ये सारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं। नहीं ये प्लाज्मा नहीं चलता, डीएनए आरएनए न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स ये सब बायो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मींस जो हमारे अंदर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में वाइटामिन डिडक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें से भी सिर्फ एंड सिर्फ आपके मोनोसैचराइड्स रह गए हैं। डाया का भी डिडक्ट हो गया, सिर्फ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट करोगे, पॉली तो वैसे ही डिडक्ट हो चुका। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट पॉली, पहले हम बायो मॉलिक्यूल्स में बेटे कार्बोहाइड्रेट पिक करते हैं, तो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप बचपन से करते आ रहे हो जो है ग्लूकोज। ये छोटी क्लास से ये वाला कार्बोहाइड्रेट करते आ रहे हो, है ना, ग्लूकोज। तो आपके सिलेबस में बेटे एक है ग्लूकोज एक है फ्रक्टोज। ठीक है, अब इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मोनोसैचराइड्स, एक होते हैं डाया या ऑलिगोसैचराइड्स और एक होते हैं पॉलीसैचराइड्स। ठीक है, एक हम कार्बोहाइड्रेट को अगर डिवाइड करना हो तो इसको करोगे आप मोनोसैचराइड्स। आपको रिएक्शन बेसिक क्वेश्चन आएंगे, वी विल कवर, ये सिर्फ समझने के लिए बेटे, दैट ऑलिगोसैचराइड्स एंड पॉलीसैचराइड्स मोनोमेर, जो एक ही मोनोमर के बने हुए हैं। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ोगे फर्दर नहीं टूटेगा, जैसे कि फ्रक्टोज। ठीक है, ये सब बेटे मोनो आते हैं, इस एक ही मोनोमर। जैसे मोनोमर की पॉलीमर्स में हम बात करते हैं, इसका मोनोमर क्या है, तो जैसे मोनोसैचराइड्स हो जाते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, दैट इज कॉल्ड मोनो। ऑलिगोसैचराइड्स होते हैं जिनके मोनोमर्स 2 से लेकर 7 तक होते हैं, जैसे कि आपकी सुक्रोज होगी, वो किसकी बनी हुई है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज की, उसके 2 हैं, दैट इज डायासैचराइड। ठीक है, जो एक से ज्यादा मोनोमर्स के बने होते हैं। फिर आते हैं पॉलीसैचराइड्स, जिनमें बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं, जैसे कि स्टार्च, जैसे कि सेलुलोज। अब स्टार्च है बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बनी है, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फर्स्ट डिवीजन ये करते हो। अब आपको किससे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अगर हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज को देखते हैं बेटे, इनमें एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होता है, तभी मैंने ये कहा कि दिस इज मोर रिलेटेड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर। ठीक है, एक एल्डिहाइड में बेटे एक रिएक्शन आती है जिसमें एल्डिहाइड खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। ध्यान से सुनो, एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, एसिड में। हमने ये किया हुआ है कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं एल्डिहाइड्स में, और एल्डिहाइड आगे ऑक्सीडाइज होता है एसिड में।
एल्डिहाइड और कीटोन जो है खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, पहले ये बात समझो ठीक। कब ऑक्सीडाइज होते हैं? जब आप उसमें टॉलन रिएजेंट डालते हो। अब ये टॉलन रिएजेंट क्या है? ये टॉलन रिएजेंट है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। जब ये एल्डिहाइड कीटोन करेंगे ना, हम एक एक रिएक्शन करेंगे ये वाली ठीक। देखो सिल्वर नाइट्रेट में वैलेंसी क्या है सिल्वर की? Ag पॉजिटिव। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, मतलब Ag पॉजिटिव को रिड्यूस करेंगे। तो अगर Ag पॉजिटिव रिड्यूस होगी तो किस में होगी? Ag बनेगी। रिडक्शन करोगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो एल्डिहाइड कीटोन है इनके पास जब टॉलन रिएजेंट आता है, टॉलन रिएजेंट उसमें एजी पॉजिटिव की फॉर्म में ठीक है, जब आप इसके अंदर कोई एल्डिहाइड डालते हो तो एल्डिहाइड जो है वो खुद क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है और इसको रिड्यूस कर देती है, मतलब सिल्वर दे देती है। तो इसे कहते हैं सिल्वर। ये रिएक्शन ऐसे नहीं है, ये रिएक्शन ऐसे नहीं है, आप ये ऐसे नहीं लिखोगे। समझ आ रही है? ये मैंने फॉर्मूला नहीं बनाया, जस्ट आपको हिंट दिया है। कंप्लीट रिएक्शन हम जब एल्डिहाइड कीटोन्स करेंगे तब तो करेंगे ठीक है। अब जो देखो इसे कहते हैं कि इसने, इस एल्डिहाइड ने इस सिल्वर को रिड्यूस कर दिया एजी पॉजिटिव को और सिल्वर दे दिया, और इस टेस्ट को कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट ठीक है। अब हर एक कोई भी आपकी ये कार्बोहाइड्रेट है उसमें एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है ठीक है, जो हमें सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकता है। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड। अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा, अगर ये टॉलन रिएजेंट को, या एक और रिएजेंट होता है फैलिंग रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट में एल्डिहाइड कीटोन कॉपर टू पॉजिटिव को रिड्यूस कर देते हैं आगे। समझ आ रही है? आपको रेड कलर के पीपीटी मिलते हैं, ध्यान से समझो ये बात ठीक है। अब ऐसी शुगर जिनका एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री है वो क्या करते हैं? ये टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। ऐसी शुगर को कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर्स। समझ आई? और ऐसी शुगर जो टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि उनका एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप उस टाइम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, तो ऐसी शुगर्स को कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। समझ आई? ठीक है, ये रिएक्शन हम करते हैं जब एल्डिहाइड कीटोन करते हैं। अब ये स्टेटमेंट लिखी जाती है व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, तो ये लिखा होगा द रिड्यूसिंग शुगर आर दोज विच रिड्यूस टॉलन रिएजेंट और फैलिंग रिएजेंट। अब आपको समझ आई क्यों रिड्यूस करेंगे? क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज होंगे, और साथ वाला रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है तो साथ वाला क्या हो जाएगा बेटे? रिड्यूस्ड। फॉर द पॉइंट इतनी बात समझ आई? जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है ठीक है। जब दो में लिंकेज बन जाती है, जब फ्री ग्रुप नहीं होता वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाती है। आई टेक ओवर इट आफ्टरवर्ड्स। फिर आपको ग्लूकोज से स्टार्ट करना है बेटे, हर एक कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना होता है। अब जैसे मैं ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या ग्रुप है? एल्डिहाइड। तो इसे एल्डोज कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोज। फ्रक्टोज की बात करूं तो इसमें किटोनी ग्रुप है, तो इसे कहते हैं किटोज। थोड़ा समझने की कोशिश करो क्योंकि यू आर ऑफ नॉन मेडिकल, मेडिकल वाले तो सब बात होता है ठीक है। अब ये देखो जैसे मैं कार्ब ग्लूकोज बना रही हूँ आपके सामने। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो, CHO सबसे ऊपर एल्डिहाइड,
यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, ये एच, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ड्रॉ इट, आपको स्ट्रक्चर बेसिक क्वेश्चन आने बेटे। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज में देखो ध्यान से क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है, ये खुद किस में चेंज हो जाता है, एसिडिक ग्रुप में, और टॉलर रिएजेंट को क्या करता है, रिड्यूस, तो हमें सिल्वर मिरर टेस्ट मिलता है। समझ आई? अब ये कौन सी शुगर हो जाती है, ये एल्डोज हो जाती है बेटे, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडी ग्रुप है। जिस शुगर में एल्डिहाइडी ग्रुप होगा वैसी शुगर को कहा जाता है एल्डोज। ठीक, अगर मैं फ्रक्टोज बनाऊ, जस्ट सी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ऐसे है, हाँ सिर्फ एक ही एल्डिहाइडी ग्रुप है, बाकी अल्कोहलिक ग्रुप है। हम अभी स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करेंगे बेटे। आपको एग्जाम में ये ऐसे नहीं आएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एमसीक्यू आने, ग्लूकोज के साथ बहुत सारी रिएक्शंस हैं, हमने इसका स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना है, तो आपसे एंड प्रोडक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, विल डू, वेट। तो ये जैसे बेटे ये फ्रक्टोज है, देखो इस तरह की शुगर को कहा जाता है किटोज, क्योंकि इसमें किटोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। इतनी बात समझ आई थोड़ी थोड़ी? अब आपकी सिलेबस में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना है कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है और इतने सारे ओएच लगे हुए हैं, ये हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। और इसके पास 6 कार्बन है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ये एस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो सबसे पहले राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हरी अप, तो पहले सबसे पहले हम 6 कार्बन एटम निकालेंगे कि हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है। हरी अब एस्टैब्लिश ग्लूकोज हैव 6 कार्बन एटम, वी आर एस्टैब्लिश ओपन चेन स्ट्रक्चर। अभी आगे आएगा कि ग्लूकोज का ओपन चेन नहीं है, ग्लूकोज का रिंग फॉर्म है, पायरानोज स्ट्रक्चर है, वो भी हम करेंगे। पहले हम ओपन चेन स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर लें। बन गया आपसे, बन गया, इसको एच आई और रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करो, एच आई एंड रेड फॉस्फोरस के साथ बेटे रिएक्ट करो। ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ये मैं बता रही है ओपन चेन स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने के लिए, जो फर्स्ट रिएक्शन है, दिस इज टेलिंग अस कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है। कैसे पता चलेगा, जब आप उसकी रिडक्शन करवाओगे तो यू विल गेट हेक्सेन। यू विल गेट हेक्सेन। हेक्सेन अगर मिल रहा है किसी कंपाउंड में हमें, इसका मतलब इसके पास कितने कार्बन एटम है, 6। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ।
दूसरा, अब हम दोबारा बनाओ स्ट्रक्चर और राइट डाउन C6H12O6। हरी आप जितनी बारी बनाओगे उतनी प्रैक्टिस होगी आपकी। अब अगर इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो ये जो बेटे एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिडिक ग्रुप में। माइल्ड सिर्फ एल्डिहाइड को किस में चेंज करेगा? एसिडिक में। इससे हमें प्रूव होगा कि हमारे पास एक ही एल्डिहाइडिक ग्रुप है। समझ आ रही है? यहां पे आप लिखोगे COOH, COH, H। ठीक है, अगर मैं ब्रोमीन वाटर के साथ इसको ऑक्सीडाइज करवा रही हूं बेटे एंड एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और एक ही ग्रुप बन रहा है, ये प्रूव कर रहा है कि मेरे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और एल्डिहाइडिक ग्रुप को मुझे प्रूव करने के लिए और मैं इसको HCN के साथ रिएक्ट करवाऊंगी। किसके साथ? HCN। अगेन ड्रॉ ग्लूकोज। अकेला C6H12O6 लिख लो फटाफट से। C6 या इसको कंडेंस कर लो, सीधा CHO लिख लो। बेटे जो एल्डिहाइड की टोन्स हैं वो कैसी रिएक्शन जाते हैं? वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाते हैं। किसी रिएक्शन जाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक ना न्यूक्लियोफाइल लेके आ रहे हैं HCN। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल लेके आ रहे हैं बेटे HCN। ओके, अब ये HCN है ये CN नेगेटिव। ध्यान से समझिए, हमने अगेन एल्डिहाइड की टोन में करना है। ये जो CN है ना ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है यहां आके अटैक करता है और ये आगे जाता है और यहां पे ये H लग जाता है। समझ आ रही है? तो ये साइनोहाइड्रीन बन जाता है। ये साइनोहाइड्रीन का बनना का मतलब है कि आपकी ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है। बात समझ आई? यहां पे इस कार्बन पे आपको ऐसा कंपाउंड नजर आएगा, बाकी वैसे बना होगा। इसका बनना ये प्रूव करता है कि आपकी ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है।
यस बेटे हाँ बाबू, तो फर्स्ट यू हैव टू प्रूव इट कि आपके यहाँ पे 5 अल्कोहलिक ग्रुप है, 5 है ना, तो हमने ये प्रूव करने की हमारे ये 5 अल्कोहलिक ग्रुप है। हम इसको रिएक्ट करेंगे एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, किसके साथ करो, क्या हाँ ये लेफ्ट में ही होता है बेटा, ये कोई मैंने जानबूझ के गलती से लिखा, ये यहाँ ही होता है। तो ये CHO है बेटे, इसको आप एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिडिक एनहाइड्राइड क्या होगी ये, अगर मैं इसको ओपन स्ट्रक्चर बनाऊ आपके लिए कि आपको ध्यान में आ जाए, तो ये एसिडिक साइन है। याद आया कुछ, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन याद है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन याद आ रही है। एस्टेरिफिकेशन में क्या किया था हमने, एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया था तो एस्टर्स बने थे। अल्कोहल को हमने एसिड के 2 डेरिवेटिव्स के साथ जो कि एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड है उनके साथ रिएक्ट किया था, तब भी एस्टर्स बने थे। कुछ याद आ रहा है, तो ये एसिडिक एनहाइड्राइड होता क्या है, 2 एसिड का एनहाइड्राइड, ठीक है, इसका 1 एसिड इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म एस्टर, और 1 एसिड निकल जाएगा, एसिडिक एसिड क्या निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये हैं, तो आपको 5 ये चाहिए होंगे, ठीक है, अगर ये 5 चाहिए, ये 5 से क्या बनेंगे, एस्टर्स बनेंगे, यहाँ पे भी एक एस्टर, 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 यहाँ पे भी एस्टर। तो अगर 5 लिंकेज पे एस्टर आके लग रहा है, इसका मतलब अल्कोहल में कितने OH हैं, 5, बनाओ जरा एस्टर। तो ये एस्टर कैसे बनाते हो, एस्टर अल्कोहल का ओ से एच निकलेगा, ये ओ रह जाएगा और बाकी ये लग गया, ये एच निकल गया यहां से, ये एच इसके साथ लगेगा, 5 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड बनेंगे आपके। अब बनाओ 5 के 5 अल्कोहलिक ग्रुप के साथ ये एस्टर लिंकेज लगाओ अपने आप। लग गई, क्या पहले वाला कैसे बना, मैंने एक ही बनाया बेटा, आपने सारी लिंकेज बनानी है ऐसे, आप बनाओ सारी लिंकेज, खुद बनाओगे तभी प्रैक्टिस होगा, हमने तो कर ही देना बोर्ड पे। हर बारी यहाँ पे जहां पे अल्कोहलिक ग्रुप है वहां पे क्या आ जाएगा, OCOCH3, वहां पे एस्टर की लिंकेज एस्टैब्लिश हो जाएगी। ओके ठीक है, तो हमने क्या क्या एस्टैब्लिश कर लिया, 6 कार्बन एटम्स, 1 एलडीआईडी ग्रुप, 5 अल्कोहलिक ग्रुप,
कर लिया, पर हमें ये नहीं पता कि ये सारे अल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी है, ये सारे अल्कोहलिक ग्रुप सेकेंडरी है, या एक प्राइमरी है बाकी सेकेंडरी, ये तो नहीं पता चला, क्योंकि ये जो टर्मिनल पड़ा है यही तो प्राइमरी है, बाकी सारे सेकेंडरी हैं, तो ये एस्टैब्लिश करना रह गया हमारा, है ना? करें एस्टैब्लिश। अब इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एक्ट कर दो, जैसे कि HNO3। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर दो बेटे, जैसे कि HNO3। ठीक है, अब जब इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा ये तो ऑक्सीडाइज होगा एसिड में, उसके साथ ये टर्मिनल भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये तो हम एस्टैब्लिश कर ही चुके हैं। तो एक एल्डिहाइड है, अगर ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज करो तो अकेला एक एल्डिहाइडी ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो गया, इसका मतलब है तो एक ही एल्डिहाइडी ग्रुप। अगर एक और ग्रुप ऑक्सीडाइज होके एसिड बन रहा है, पांच अल्कोहल एस्टैब्लिश हो रहे हैं, तो वो जो एक और बन रहा है वो टर्मिनल अल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए या प्राइमरी होना चाहिए, समझ आ रही है? क्योंकि सेकेंडरी ऑक्सीडाइज नहीं होगा ऐसे, ये तो बॉन्ड की क्लीवेज होगी, समझ आ रही है? अगर बीच में OH होता है तो आपका कीटोन बनता है, याद करो, फिर पॉपोव्स रूल से आप तोड़ते हो सेकेंडरी में, सेकेंडरी में सीधा ऐसे तो नहीं ऑक्सीडाइज होता, तो अगर टर्मिनल में COH मिल रहा है इसका मतलब आपका एक एल्कोहलिक ग्रुप क्या है, टर्मिनल, समझ आ गई? तो बनाओ फिर एक यहाँ COH लगा दो और एक COH यहाँ लगा दो और बीच में बाकी चेन, ठीक है? अब ये था बेटे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन में हमने देखा इसके पास फ्री एल्डिहाइडी ग्रुप है, इसके कारण हमने इसको रिड्यूसिंग शुगर कह दिया। ठीक है, अब अभी तो वी आर लेफ्ट विद 4 मिनट्स, तो कल ही हम करेंगे, बट इस स्ट्रक्चर को हम फेल करेंगे कि इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, ये ओपन के साथ साथ रिंग फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, ये ओपन भी करता है, ये नहीं करता नहीं है, एक म्यूटा रोटेशन फिनोमिनन है जिसमें वो रिंग में बदलता जाता है, रिंग में चला जाता है। वो हम क्यों करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री हो तो इसको सारी की सारी एल्डिहाइडिक वाली रिएक्शन देनी चाहिए, है कि नहीं? पर कुछ एल्डिहाइड वाली रिएक्शन ऐसी हैं जो ये नहीं दे पाता, जैसे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, शिफ्ट रिएजेंट के साथ, ऐसी कोई रिएक्शंस हैं जो आप एल्डिहाइड की टोन्स में पढ़ते हो, तभी तो मैंने कहा है कि CBS ने चैप्टर डिसाइड करने से पहले एल्डिहाइड की टोन नहीं रखा, और यही अगर एल्डिहाइड की टोन पहले रख देना तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाता है बच्चों के लिए, आधी रिएक्शन अपने आप ही कर लेते हैं। ठीक है, कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है बेटे,
जो एल्डिहाइड की टोन जाती हैं वो ये शो नहीं करता, तो हम ये कहेंगे ये ऐसा क्यों नहीं शो करता। और हम जब क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमें दो फॉर्म मिलेंगे, अल्फा और बीटा, जिसे हम अनोमर्स कहेंगे करेंगे वो अनोमर्स जो हैं एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, और बीच में हम दिखाएंगे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर भी एस्टेब्लिश करेंगे, मतलब ओपन से ये रिंग में बदलते हैं, रिंग से फिर ये ओपन में हो जाते हैं, ओपन से फिर रिंग में चले जाते हैं, रिंग से फिर ओपन में हो जाते हैं, और उस रिंग स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पायरानोज टाइप। आपने सुना हुआ है पायरानोज? आपने फ्यूरेन सुना हुआ है? दो चार हिड्रोसाइक्लिक के कंपाउंड आते हैं बेटे जब आप शुरू करते हो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस वन की, उसमें दो चार लिखे होते हैं स्टार्टिंग में, पिरिडीन, पायरोल, थायोपीन, फ्यूरेन। तो ये सिक्स मेंबर स्ट्रक्चर है। कल हम स्ट्रक्चर, पहले तो सीधा क्वेश्चन आ जाता था बेटे कि ड्रॉ पायरानोज रिंग ऑफ ग्लूकोज, सीधा क्वेश्चन आता था पहले, पर अब आप रिंग तो बनाओगे नहीं, अब आपके एमसीक्यू आने हैं, तो एमसीक्यू में आपने ये बताना होगा कि C1 में अल्फा और बीटा नॉर्मल में क्या फर्क है, पोजीशन में OH में क्या फर्क है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, कौन कौन से टेस्ट एल्डिहाइड नहीं शो कर सकता, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। डिफिकल्टी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि ये चैप्टर तो बच्चे एम ही एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज पढ़ के खत्म कर देते थे, क्योंकि ना कोई एमसीक्यू, वो 5-6 क्वेश्चन रटे होते थे कि ये ही आने। अब आपको थोड़ा डेप्थ में देखना पड़ेगा हर चीज। चलो यहाँ बेटे आज का खत्म, और मैं थोड़े जस्ट 1 मिनट इज लेफ्ट।